रिपोर्ट है। देखिए भारत चीन और अमेरिका के संबंधों से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। द संडे गार्जियन ने बड़ा खुलासा किया है, कहा है कि अमेरिका और चीन में चल रही तकरार भारत के लिए सुनहरा अवसर हो सकती है। अगर इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच चल रही लड़ाई में भारत सही कूटनीतिक कदम उठा लेता है तो उसे बहुत फायदा होगा। भारत में दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आकर के पीएम मोदी वर्ल्ड स्टेट्समैन के रूप में स्थापित हो चुके हैं। जिनपिंग और ट्रंप से भी मोदी के रिश्ते मजबूत हैं। मोदी के नेतृत्व और अमेरिका और चीन से भारत के रिश्ते और बेहतर हुए हैं। ऐसे में मोदी के नेतृत्व में मजबूत होते भारत को अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर संभलकर कूटनीतिक कदम उठाने होंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ रहकर भारत खुद को सामरिक रूप से मजबूत कर सकता है। वहीं चीन के साथ जाकर के भारत व्यापारिक रूप से फायदा ले सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के पास ठीक वैसा ही अवसर है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को मिला था। उस मौके पर भारत ने जो कदम उठाया था उससे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत को बहुत फायदा नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा अवसर ऐसा है जिसे भारत को चूकना नहीं चाहिए। इससे भारत एक और जहां विश्व महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, वहीं पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े लीडर के रूप में स्थापित होंगे। और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं द संडे गार्जियन के एडिटोरियल डायरेक्टर माधव नालापत। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर आपका। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर हम देख रहे हैं पिछले काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से द संडे गार्जियन की एक खबर है कि भारत के पास एक अच्छा मौका है, मतलब ट्रेड वॉर जिससे चीन को नुकसान हो रहा है उससे भारत को फायदा होगा? बहुत फायदा हो सकता, दो कारण है। एक जो है बहुत सारे फैक्ट्री अभी चीन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि चीन में जो फैक्ट्री है वो अमेरिका का मार्केट में बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। इस फैक्ट्री बहुत सारे फैक्ट्री इंडिया में सेटअप कर सकता, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ट्रेन्ड वर्कर्स है और इंडिया का मैन पावर बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग उतना नहीं है, तभी भी छह महीना एक साल में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलकर इंडिया का वर्कर्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वर्कर्स है। इसलिए ये बड़ा अवसर है कि चीन से जो फैक्ट्री निकलता है वो वियतनाम नहीं, थाईलैंड नहीं, इंडोनेशिया नहीं, वो भारत को आ सकता। दूसरी बात यह है कि चीन अभी देखता है कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है अभी पहला तो वो बहुत इन्वेस्ट करते थे अमेरिका में, बहुत कुछ पैसा वो अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे, आजकल वो तो बहुत कम हो गया है और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसलिए ये सिर्फ दो रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो इंडिया को फायदा मिल सकता इस अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रहा है। सर ये भी समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये रणनीति किस तरह से आगे बढ़ पाएगी, इस चीज में हमें कितनी सफलता मिल पाएगी, इसके लिए आप आश्वस्त हैं? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को हम देखें, अभी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन 2019 के अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो जिस तरह से भारत आगे प्रगति कर रहा है, कितने आशान्वित आप हैं कि यह फायदा हम पूरी तरह से उठा पाएंगे? देखिए जी, मैं तो कई राज्यों जाते हैं और मैं देखता कि नरेंद्र मोदी का इमेज जो है वो पहला 1950s में जवाहरलाल नेहरू का इमेज था, ग्लोबल इमेज, बहुत बड़ा इमेज था। आज तो नरेंद्र मोदी को वो पता है कि नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी एक बड़ा स्ट्रांग लीडर है, तो भारत का इमेज तो बहुत बढ़ गया है मोदी के टाइम पे। दूसरी बात यह है कि मोदी शी जिनपिंग से बहुत अच्छा मित्रता है और डोनाल्ड ट्रंप से भी बहुत अच्छा दोस्ती है, इसलिए मोदी को बहुत बड़ा अवसर मिल गया है भारत का गुण के लिए। इन दोनों को इन सच में एक पॉलिसी जहां अमेरिका से फायदा मिल सकता और चीन से फायदा मिल सकता। सर थोड़ा डिटेल में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका के अगर हम नजदीक गए तो चीन हमसे नाराज ना हो जाए कहीं, दोनों को बैलेंस किस तरह से बिठा पाएंगे हम? देखिए जी, बात तो ये है कि अमेरिका थोड़ा नाराज होगा, चीन नाराज होगा, बट बात तो ये है कि भारत अभी बहुत बढ़ता जा रहा है और इसलिए चीन और अमेरिका भारत का रिश्ता बहुत बड़ा जरूरी है। बात तो ये है कि सिक्योरिटी मैटर्स में, डिफेंस मैटर्स में अमेरिका अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है, तो बोइंग, लॉकहीड,
बहुत कुछ वेपन प्लेटफॉर्म्स इंडिया में शिफ्ट करने के लिए उन लोग तैयार हैं। अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान में चीन तो बहुत सारे वेपन प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया है। अभी पाकिस्तान में विमान बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं और कई वेपन चीन का प्लेटफॉर्म में बनाते हैं। वैसे ही हम अमेरिका का प्लेटफॉर्म है तो पाकिस्तान से 5-10 गुना हम वेपन बना सकता सिर्फ भारत का डिफेंस फोर्सेस के लिए ली तो एक्सपोर्ट के लिए, तो ये एक बड़ा अवसर है। दूसरी बात यह है कि चीन एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है। अमेरिका और चीन अभी तो वो जो डिफरेंस है वो बहुत कम है और चीन के कंपनी देखते हैं भारत को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता। इसलिए हम अमेरिका को सिक्योरिटी में एक वेलकमिंग पॉलिसी, अमेरिका तो ट्रेड में सच में अमेरिका हमारा खिलाफ है। अमेरिका कहते हैं कि देखो ये जो दवाइयां है जो कम दाम में बिकता है वो बंद करना चाहिए, ये जो आप तो जो वेबसाइट में थोड़ा कंट्रोल कर दिया है जिसमें जिस कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत सारे किराने दुकान को बंद हो जाएगा, ये सब बंद करना ये तो हमारा खिलाफ है कॉमर्स में और सिक्योरिटी में हमारा पक्ष में है। चाइना सिक्योरिटी में हमारा खिलाफ है, वो पाकिस्तान के सबसे खास दोस्त है परंतु कॉमर्स में हमारा दोस्त है। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें शेयर करने के लिए हमारे साथ। और चलिए अब आपको तीन तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं किस तरह से भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है और इस मौके का फायदा उठा सकता है। यूएसए सही स्ट्रैटेजिक अलायंस हमें करना होगा तभी भारत विश्व शक्ति बन सकता है और इसके अलावा चीन से भी व्यापारिक संबंध हमें स्थापित करने होंगे, बैलेंस बना करके चलना होगा हमें यूएस और चीन के बीच, अमेरिका और चीन के बीच ये जो तनाव है उसका फायदा हमें उठाना होगा दोनों को अपना दोस्त बना करके रखते हुए। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं।